आईफोन ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਵਾਰ ਕਰ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल पर। लाहौर से 10 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं मालम जब्बा में। हम यहां पर कैसे किस चीज़ पर पहुंचे हैं वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको एंट्री दिखाते हैं कि एंट्री कैसे लेते हैं यहां से। मालम जब्बा के बारे में आपको सारी मालूमात बताएँगे, आपने वीडियो पूरी देखनी है। जब आप वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। ये मालम जब्बा का पास है जो कि मैंने 1400 में ख़रीदा है। ये जब रश होता है ना तो फिर यहाँ से एंटर होने में आसानी होती है। अगर आपने बग़ैर चेयर लिफ्ट के सफ़र करना है तो उसके लिए आपको 1100 रुपया पे करना पड़ेगा, और जिप लाइन का मज़ा लेना है तो उसके लिए आपको 3500 रुपये देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो स्लो चेयर लिफ्ट चल रही है ताकि आसानी से चेयर लिफ्ट पर बैठा और बाद में उतरा जा सके। ये लिफ्ट की चलने की वजह से शोर पैदा हो रहा है। और ये सामने चेयर लिफ्ट पर पहुंच गए हैं। ये है जी चेयर लिफ्ट, इस पर बैठ चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग 3 दिन के टूर पर आए हैं जिसमें मालम जब्बा, सवात कलाम, मोहम्मद लीग शामिल है। तो सबसे पहले जो विज़िट था वो था मालम जब्बा का, जिस पे हम पहुंच चुके हैं और इसका आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके बाद कलाम के लिए रवाना होना है। वहाँ रात को होटल में स्टे है, सुबह मोहम्मद लेक के लिए निकलना है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, स्नोफॉल हो चुकी है और कुछ ही देर में हम मालम जब्बा टॉप पर होंगे। तो ये सामने चेयर लिफ्ट उतारेगी और फिर एक हसीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा हर तरफ। यहाँ सामने खान भाई पिक्चर बनाते हैं किसी ने बनवानी हो तो। नहीं लाला, ये मालम जब्बा टॉप है, इस तरफ बर्फबारी नहीं है। आगे चल के बर्फ़ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे हुई है बर्फ़बारी जो कि एक खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है देखने को हमें। ये भाई साहब हमारे ग्रुप में शामिल हैं और इन बेचारों का मोबाइल बंद हो गया है, बैटरी लो हो गई है, तो ये खान भाई से पिक्चर्स बनवा रहे हैं। सही कह रहे हैं बेचारे। चलो एंजॉय किया जाए बर्फ के साथ कुछ। कितना खूबसूरत और दिलकश मंजर है। कहीं बर्फ नजर आ रही है, कहीं छांव है, कहीं धूप है। हम इंसान भी क्या चीज हैं,
इन खूबसूरत मंजर को देखने के लिए सैकड़ों मील दूर चले आते हैं, और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको ऐसे मंजर देखने को मिल जाते हैं, वरना सारा सफ़र ही बेकार। काफ़िला तैयार है कलाम जाने के लिए, अभी हमारे साथ रहिएगा, वापसी का खूबसूरत नज़ारा दिखाना है आपको। उतरन लगे हैं थले, आ गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आ गया, उतरन लगे हैं। परची एक देंदे ने, परची दे उते ओदा लिफ्ट दा भी किराया हुंदा ते नाल उहनां ने उते लिखया हुंदा, पर्ची उन्होंने उत्ते जाके देनी है इन्हां दा। ये रास्ता जी जी आ गए हैं वापस जहां से बैठे थे चेयरलिफ्ट पर। चुको ऊपर, ओए होए होए, ये बात चेयरलिफ्ट।